दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरी प्लस चैनल में। साथ में जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसान को जो पेंशन देने का वादा भी कर दिया माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी। इन्होंने कहा है कि जो है कि यहाँ पे जो है इन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि यहाँ पे जनता का जो है मांग पत्र हमने जो है वो जारी कर दिया गया है और जितने भी ऋण होंगे वो सब के सब जो है माफ़ कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो घोषणा पत्र यहाँ पर जारी कर दिया गया, ठीक है। और 500 रुपये जो है मोबाइल खर्चे के लिए भी यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, बिजली मुफ्त मिलेगी और यहाँ पर जो पेंशन योजना भी यहाँ पर जो लागू कर दी गई है। तो मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है आपने अगर कल रात का वीडियो नहीं देखा अभी ये वाला, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, और ये हमारे सब्सक्राइबर है, कल इन्होंने जो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करके यहाँ पर जो है ये, और देख लीजिए कल इन्होंने मुझे मैसेज भी किया, मैंने उसका रिप्लाई भी किया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये इन्होंने कहा है कि जो है सर एक बात बताइए, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने कहा कि सर भर्ती जो है ये सरकारी है, ये संविदा वाली है, लिखा PNV चपरासी भर्ती है, अगर इसमें आइए कल रात को दस बजे इन्होंने मैसेज किया। मैंने आपसे बोला कि यार इंस्टाग्राम के मेरे को फॉलो कर लीजिए, पर्सनल मेरे से चैट कर सकते हैं, और ये इसमें मेरा वीडियो डेली देखते हैं, मेरे को पता है, इनके कमेंट भी पढ़ता रहता हूँ मैं जो है, कमेंट आते रहते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये। तो यहाँ पर जो है मैंने इनसे कहा परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये। तो इस तरीके से मेरा आपको इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और उसके बाद जो है आप मेरे से पर्सनल चैट कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे जो है सपा का जो है जाति आधार गणना का वादा क्या है, यहाँ पर जो है वही चीज़ मैंने आपको दिखा दिया अभी जो है ये। और अभी जो है बीएड वाले जो हैं इनका अभी संकट टला नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए 35,000 जो है बीएड वाले डिग्री धारक जो हैं यहाँ पे, उनको शिक्षक भर्ती में नौकरी से संकट अभी टला और यहाँ पे प्रशिक्षण का पेच फंसा हुआ है। उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, 2023 से पहले जितने भी लगे हुए हैं वो सब उनकी नौकरी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यहाँ पर जो नौकरी बची रहेगी, पर उनके लिए जो ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, ब्रिज कोर्स में अगर फेल हो गए तो बाहर हो जाएंगे, नौकरी जरूर जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती हैं, 35,000 कम से कम बीएड धारक हैं, तो यहाँ पर जो उनको प्रशिक्षण 6 महीने का जो है, प्रशिक्षण 3 साल बाद इसमें जो है ये भी नहीं कराया जा सका, तो उसके लिए यहाँ पर जो बताया गया कि इनको जो है प्रशिक्षण करना होगा और यहाँ पर जो है ये इसके बाद ही इनका जो है पूरी नौकरी पक्की मानी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती में एक पेज और फंसा हुआ है, इसमें ब्रिज कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो आगे इसमें जो है नहीं पढ़ा सकेंगे, और कंप्लीट वैसा हो ही जाएगा लगभग जो है ये। बात करें यहाँ पे जो UPTET 2021 को जो परीक्षा में सुधार ली गई, इसमें जो है गलती और अब नहीं मिलेगा अंक, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे जो है अगले हफ्ते में जो मिलेगा अंक पत्र। UPTET 2021 की बात करें तो प्राइमरी अंक पत्र अब जो अगले हफ्ते मिलेगा, इसमें कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा, पर आपको पता है कि इसमें जो है डीएड वाले ही इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जाएंगे और अन्यथा बीएड वाले बाहर हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। तो बीएड का तो वो रद्द हो चुका है, ये क्या रद्द हो चुका है, ये जो है अब बीएड वाले 6 to 8 में आवेदन कर पाएंगे और जो है 1 to 5 में केवल डीएलएड वाले ही कर पाएंगे, ठीक है, और डीएलएड वाले 6 to 8 में भी कर पाएंगे। बात करें यहाँ पे जो कृषि सेवा के 268 पदों पर जो भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आपने ये वाला फॉर्म अगर नहीं भरा है, अब आप सोचेंगे आचार संहिता लगी पड़ी, सर आप बोले आचार संहिता लगी पड़ी, ये भर्ती विज्ञापन कैसा आ गया। अरे भाई वही तो बोल रहा हूँ, अगर सरकार चाहे तो वो चुनाव आयोग से परमिशन लेके विज्ञापन जारी कर सकती है, कोई रोक नहीं होती चुनाव आयोग। आप देख लीजिए लोक सेवा आयोग से विज्ञापन आया जिसकी लास्ट डेट की बात करेंगे आप 10 मई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं मेडिकल, इसमें देख लीजिए यहाँ पर जो कृषि सेवा के लिए। साथ में जो इंटरव्यू भी चल रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो है अप्रैल में अंत में इसमें होगा इसमें इंटरव्यू। अब एक बताइए विज्ञापन लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन भी जारी कर दिया गया, अब इसके बाद इंटरव्यू जारी कर दिया गया, तो वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो है बाकी जो है सारी भर्तियाँ फंसी हुई। बात करें यहाँ 25 अप्रैल से पहले जो आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं यूपी बोर्ड का रिजल्ट की परिणाम तिथि घोषित कर दी गई, यहाँ पे जो 25 अप्रैल से पहले इसमें घोषित हो जाएगा रिजल्ट यूपी बोर्ड का। तो बात करें यहाँ पर जो चयन आयोग से जो है वो दस्तावेज नए इसमें आयोग में हस्तांतरित, मतलब क्या सीधी सी बात यह है कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो बात करें शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर यहाँ पर जो है ये हमारे मीटिंग हुई थी और जितने भी जो है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में फाइलें हैं अलवारी हैं वो सब जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो है वो रखवा दी गई, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। बात करें यहाँ पर जो क्रैट द्वितीय चरण के लिए जो है इसमें जो आवेदन मांगे गए हैं और 23 अप्रैल इसका जो है इसमें इंटरव्यू कराया जाएगा क्रैट के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं अगर फॉर्म नहीं भरा भर दीजिएगा। बात करें यहाँ पे जो अभी बिहार में शिक्षक भर्ती रद्द हुई थी, तो बिहार के अंतर्गत शिक्षक भर्ती जो रद्द हुई थी वह 5 जून के बाद जो होगी तीसरे चरण की रद्द हुई इसमें शिक्षक भर्ती, क्या मतलब कि 5 जून के बाद ये इसमें जो है आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये
देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसमें जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो है ये निर्देश दे दिए गए हैं कि कैबिनेट प्रस्ताव इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन की कार्रवाई, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके हम ये प्रस्ताव बनाएंगे कि 12th पास से ज़्यादा अगर होंगे तो उनको जो है उनको आउटसोर्सिंग नौकरी से बाहर किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो बिंदु पर इसमें बात हुई है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसमें जो है कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग की चतुर्श्रेणी के पदों पर इंटर से ज़्यादा पढ़े लिखे अपात्र, मतलब पात्र में अपात्र आप सभी जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर 12th पास वाली अगर भर्ती निकल रही है तो उसमें जो है ये इंटर से ज़्यादा जो पढ़े लिखे अपात्र माने जाएंगे। साथ में उसमें ये भी कहा गया है इसमें जो है ये आप देख रहे चतुर्श्रेणी के पदों पर न्यूनतम इसमें जो है शैक्षिक योग्यता 8वां व अधिकतम 12वीं पास होगी, संशोधन होंगे कैबिनेट से पास होगा लिखा हुआ है इसमें जो सुपरवाइजर की भर्ती, और साथ में जो है कोई प्रति कुछ नहीं की जाएगी, मतलब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, सारी की सारी जो है इकट्ठी कर लेंगी, और लिपिक की है तृतीय श्रेणी, और ऐसे जो है ये उन्होंने कहा है कि जो है अब इसमें 3 लाख से ज़्यादा जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर कार्य करता है, जिसकी सैलरी यहाँ पर देख लीजिए 7000 से लेकर 14000 रुपये तक है, कई विभाग में कार्य कर रहे सरकारी डिपार्टमेंट में भी जो है आउटसोर्सिंग वाले इसमें लगे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे युवा इसमें अयोग्य होंगे, यहाँ पर देख लीजिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती बात करें, एडेड कॉलेज के अंतर्गत चपरासी की भर्ती अगर लगे हुए हैं तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर जो है अपात्र माने जाएंगे, और एक ऐसा काम करने वाले के पदनाम उसकी सच्ची योग्यता मानक के अनुसार तय की जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है तो उनको अब क्या होगा कार्रवाई वो देख लीजिए, समय समय आप अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कैबिनेट से प्रस्ताव पास इसमें जो है करने के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में यही वाली बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है चपरासी भर्ती पद का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेजुएट और समकक्ष परीक्षा पास उम्मीदवार इसके पात्र नहीं होंगे। बात हो रही इसमें आगरा और हाथरस चपरासी भर्ती आई थी, कहाँ पर आई थी भाई, ये आपकी निकाली गई थी यहाँ पर जो है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, यहाँ पर जो है ये फॉर्म इसके जो है ऑफलाइन इसमें आवेदन लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे दिया गया है, और तो और यहाँ पर जो है ये वाला फॉर्म आपको भर के जो है आपको भेज देना है यहाँ पर जो है ये चपरासी भर्ती के लिए कहाँ पर, इस वाले एड्रेस पर, ठीक है। ये एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर जो आप पे देख लीजिए, यहाँ पर जो है भर्ती आ चुकी है, और हाँ इसमें ग्रेजुएट वाले ही आवेदन ना करें, यहाँ पर लिखा हुआ स्नातक वाले इसमें अपात्र माने जाएंगे। साथ में आपने ये फॉर्म डाला हुआ यहाँ पे जो इंटरव्यू यहाँ पे जो 13 अप्रैल को कराया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पर जो है नेम ऑफ द कैंडिडेट हो गया, यहाँ पर हस्बैंड का नाम अगर फादर का नेम है, इसके बाद लास्ट नेम है, और मोबाइल नंबर थोड़ा ब्लर कर दिया जिससे कि आप जो है कहना मतलब क्या ये गोपनीयता भंग हो जाती है, आप सभी जानते हैं गोपनीयता किसी की भंग हो जाती है, इसलिए जो है ये लिस्ट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ पर्सनली, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ये इस तरीके से 13 अप्रैल को है 8 बजे आपको पहुँचना है, ठीक है। ये एडिट कॉलेज के अंदर चपरासी भर्ती की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुरादाबाद से यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, और यहाँ पर भी नाम देख लीजिए 46 बच्चों का नाम सेलेक्ट किए गए यहाँ पर ये देख सकते हैं, और यहाँ पर 13 अप्रैल 2024 को इंटरव्यू यहाँ पे 12 बजे से होगा, वो 8 बजे से था और ये 12 बजे से होगा, 2 शिफ्टों में इंटरव्यू कराया जा रहा है। यहाँ पर जो है ये बात करें यहाँ पर चपरासी भर्ती जो इसमें निकाली जाएगी तो बालाजी एंटरप्राइजर कंपनी वाला 5000 रुपये दे रहा है केवल, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर बाड़ी में वीडियो में सुना के वो उन्होंने कहा समाधान कीजिएगा, तो भाई एक बार बताइएगा यार जब 8000 रुपये सबको मिल रहे तुमको 5000 कैसे मिलने हैं, प्लस 13000 रुपये बताए थे यहाँ पर, 11000 रुपये बताए थे यहाँ पर जो है ये इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, तो मैं इसका सलूशन पर बताऊंगा, इसकी कंप्लेंट जो है डीआई ऑफिस में जाकर कीजिएगा और जीडी ऑफिस में जाकर कीजिएगा, ठीक है। बेरोजगार इतने चरम पे ज़्यादा पढ़ लिखो कहाँ जाएं, तो वही चीज़ मैंने वीडियो बना दिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा भाई ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया, अगर हाँ अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ मेरे से अगर आपको पर्सनल बात करनी, जैसे मैंने आपको सुमित को देखा ना पर्सनल चैट करा मेरे से, अगर आप भी पर्सनल चैट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा और मैसेज कीजिएगा, उसका मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और पर्सनल लिस्ट भी मैं ये भेज दूंगा आपको मैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करी प्लस, थैंक यू वेरी मच।